आपने हर चौराहे के ऊपर ट्रैफिक सिग्नल को तो देखा होगा, जो हमारे रोजमर्रा जीवन का हिस्सा बन गया है। हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल कब कैसे में। दोस्तों इस वीडियो में ट्रैफिक सिग्नल या ट्रैफिक लाइट से जुड़ी जानकारी देने वाले हैं, जैसे कि ट्रैफिक सिग्नल का आविष्कार और बदलाव कब और किसने किए थे। इसके साथ ही वीडियो में बताएंगे इस ट्रैफिक लाइट को दुनिया और भारत में सबसे पहले किस शहर में और कब लगाए गए थे। पर वीडियो शुरू करने से पहले चैनल कब कैसे को सब्सक्राइब जरूर कर ले। दोस्तों अगर मनुष्य को कोई समस्या है तो उसके समाधान की खोज में लग जाता है। ऐसी ही समस्या यातायात से जुड़ी थी, जिससे दुर्घटना बढ़ने लगी थी। ट्रैफिक सिग्नल से पहले शहर की सड़कों पर लोग और घोड़ों द्वारा खींची जाने वाली गाड़ियों की यातायात को नियंत्रित करने के लिए एक तरीके की जरूरत थी। तब रोड क्रॉस करने में बहुत दिक्कत होती थी, क्योंकि पुराने समय में सिर्फ एक पुलिसकर्मी ही चौराहे पर मौजूद होता था और वह अपने हाथों के जरिए सारे ट्रैफिक को कंट्रोल करता था। जैसे जैसे 1800 के दशक में अधिक से अधिक लोग बड़े शहरों में बसने लगे, तब कुछ करने की आवश्यकता ने जॉन पिक नाइट नामक एक ब्रिटिश रेल इंजीनियर ने यातायात नियंत्रण करने के बारे में सोचना शुरू किया और पहला ट्रैफिक लाइट डिजाइन किया। नाइट द्वारा डिजाइन की गई रोशनी जो रेलवे पर इस्तेमाल होने वाले साइनेज के समान डिजाइन पर काम करती थी। इसे मैनुअल तरीके से पुलिस द्वारा गैस ईंधन से नियंत्रित किया जाता था। तो इस तरह 9 दिसंबर 1968 को लंदन में इंग्लैंड के संसद के बाहर पहली बार गैस से चलने वाली ट्रैफिक लाइट लगाई गई। उस समय ऊपर लगाए गए पिलर दो बाजुओं का इस्तेमाल करके दिन के ट्रैफिक को कंट्रोल किया जाता था। पर 2 जनवरी 1869 को उस गैस से बने लाइट के फूट जाने के कारण पुलिसकर्मी को बहुत ज्यादा चोटें आई। इस कारण इस गैस ट्रैफिक लाइट सिस्टम को बंद कर दिया गया। इसके बाद बढ़ते समय के साथ साथ रोड पर ट्रैफिक भी बढ़ने लगा था। इस ट्रैफिक को नियंत्रित करने के लिए 1912 सॉल्ट लेक सिटी में पहली बार लेस्टर वायर नाम के एक पुलिस अफसर ने बिजली से चलने वाले ट्रैफिक सिग्नल का आविष्कार किया और इस डिजाइन के पेटेंट के लिए 1913 में अपना आवेदन दायर किया, जो 1918 में इस सिस्टम के लिए उन्होंने एक पेटेंट प्राप्त किया। फिर 1920 में डेट्रॉइट पुलिस अधिकारी विलियम स्पॉट ने पहले 3 रन सिग्नल सहित कई ऑटोमेटिक ट्रैफिक लाइट सिस्टम विकसित किए, जिसमें एक पीला कलर सावधानी के लिए जोड़ा गया। इसके बाद 1923 में गैरेट मॉर्गन ने एक इलेक्ट्रिक ऑटोमेटिक सिग्नल का पेटेंट कराया। मॉर्गन क्वीनलैंड में कार रखने वाले पहले अफ्रीकी अमेरिकी थे। जैसे कि दुनिया में सबसे पहली बार ट्रैफिक लाइट सिस्टम को लंदन में 9 दिसंबर 1868 को शुरू किया, वैसे भारत में पहली बार 1953 में चेन्नई शहर में पहली बार ट्रैफिक लाइट सिग्नल का इस्तेमाल किया। इसके लगभग 10 साल बाद बेंगलुरु शहर में पहली बार ट्रैफिक लाइट सिग्नल का इस्तेमाल किया गया। चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पूरी देखने के लिए धन्यवाद।